सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो नमस्ते दोस्तों, आज बीका हमारे और अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हमारा जो सोशल साइंस का पेपर वो कैसा आएगा। गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा, बट उससे पहले मैं आप सभी से अपील करूंगा कि आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपकी तैयारी कैसी है। तो गाइज, पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो पूरी एंड तक देखना। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेपर सोशल साइंस का कैसा आएगा। गाइज, सोशल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है वो इतना हार्ड होगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। अब तक का सबसे हार्ड पेपर सोशल साइंस का होने वाला है, इस बात का आप ध्यान रखना। और हार्ड के साथ में बहुत ज़्यादा लेंथी होगा और मे बी किसी से कंप्लीट भी ना हो। टेंशन में आ गए, मैं मजाक कर रहा हूँ। सॉरी गाइज, आपकी फीलिंग का मैं मजाक नहीं बनाना चाहता, बट थोड़ा सा यार बहुत टेंशन में रहते हो आप लोग, तो थोड़ा आपका मूड फ्रेश भी करना चाहिए, इसलिए मैंने आप सभी से थोड़ा सा मजाक किया। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना जिससे वो भी एक डर जाए। तो गाइज, अब मैं बताता हूँ पेपर कैसा होगा। अब सीरियसली बता रहा हूँ। देखो गाइज, मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहूँगा कि अभी तक जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं उसके अंदर आप सभी में से लगभग सारे बच्चों का सबसे अच्छा एग्ज़ाम इंग्लिश का हुआ है। तो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा, सोशल साइंस का एग्ज़ाम देने के बाद में आप सारे बच्चे बोलोगे कि मेरा सोशल साइंस का एग्ज़ाम सबसे बेस्ट हुआ, क्योंकि बहुत ईजी पेपर आने वाला है सोशल साइंस का। पेपर लेंथी तो नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को लग सकता है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है, हिस्ट्री का जो पार्ट होगा वो थोड़ा लेंथी हो सकता है, क्योंकि डेट्स वगैरह होगी उसमें, तो वो थोड़ा लेंथी पार्ट हो सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तक जितने पेपर आप सभी को पता लग गया कि एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है पूरा, जितना एनसीईआरटी पढ़ोगे उतना ही आपको फ़ायदा है, कोई दिक्कत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होने वाली आने वाले पेपर के अंदर। तो मैं गाइज आप सभी को इस बात की गारंटी देता हूँ कि एसएसटी के अंदर आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप लोग आराम से भी पढ़ाई कर सकते हो। एसएसटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं शायद ना प्रोवाइड करूँ, क्योंकि एसएसटी का इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को एसएसटी के मतलब सोशल साइंस के एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं उनको आप रीड कर लो, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। और एक बात ध्यान रखना, लिखकर जरूर आना एसएसटी के अंदर, लिखने के बहुत नंबर है। तो गाइस, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप घर पे रहो, सेफ रहो। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।